ये रखना पड़ता है जंगली जानवर और यहाँ के लोगों से बचने के लिए। ये पूरे मुंह के बराबर है, ये होंठ के नीचे पहनते हैं, आप सोच सकते हो। मैं आप लोगों को उनसे भी मिलाता हूँ भाई, थोड़ा सा देख के वो लग रहा है, लेकिन ये देखिए भाई, ये पूरा खूबसूरत दिखने के लिए बनाते हैं, मिल्क एंड ब्लड, खून और दूध पीते हैं, उनको लगता है कि इससे हेल्दी होते हैं। She want paint your face. Yeah, she can paint. Okay. Come. Yeah. Okay. You go. हेलो एवरीवन, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वक्त है हम सदर्न इथियोपिया में और इस वक्त हम मौजूद है मागो नेशनल पार्क में। और मैं आज तक कोई वीडियो के लिए इतना नर्वस नहीं हूँ जितना इस वीडियो के लिए हुआ हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ट्राइब से मिलने, मुर्सी ट्राइब से मिलने। तो इसके लिए भाई आप अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ एक ड्राइवर और एक गाइड और गनमैन भी साथ में होना चाहिए। तो आज के हमारे गाइड है अब्राहम, ब्रदर अब्राहम, सो ही विल टेल समथिंग अबाउट दिस प्लेस एंड मुर्सी ट्राइब। ओके, so now we are in the Mago National Park. Also the Mago National Park is also one of the largest park in Omo Valley. Okay. So on this Mago National Park which is the border with Sudan and Kenya. So भाई हम लोग border के area में है, इस तरफ है Sudan, इस तरफ है Kenya, और हम जहाँ रुके थे जिंका से, from Jinka to Mursi tribe, how Mursi village is 60 kilometer. How much time it will take to reach? One half an hour drive. तो हम जा रहे हैं Mursi tribe से मिलने भाई, बहुत ही खतरनाक tribe है, Mursi tribe is dangerous. Mursi tribe is also the most popular tribe in Ethiopia, and they are very beautiful with a lip plate and and ear plate, their scarification body. तो Mursi tribe के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप जरूर कभी ना कभी देखे रहेंगे Mursi tribe को, वो lip plate पहनते हैं अपने lower lip पे, आप देखे रहेंगे इसलिए पहनते हैं, उनको लगता है कि खूबसूरत है। तो यार थोड़ा सा मैं घबराया हूँ, और गनमैन भी लेना पड़ता है क्योंकि भाई डेंजर ट्राइब है, उनके पास गन वगैरह भी होती है। तो देखिए पूरी गाड़ी हम रेंट किए हैं, तो चलते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं Mursi village, Mursi लोगों से भी मिलाता हूँ, देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, चलते हैं आपको मिलते हैं वहाँ पर। तो भाई हम यहाँ Mursi village में पहुँचने से पहले देखिए यहाँ सारे गनमैन खड़े रहते हैं। सो ब्रदर, व्हाट आर यू सेइंग? So there now we take one scout with us. Okay. So those are coming with us in the village. Okay. Because on the way sometimes when the car crushed some wild, so they protect it because the government select them to putting here on the farm. Okay. And this way that's why they come with us in the village. Tribe से और जंगली जानवर से बचाने के लिए एक gunman को लेना पड़ता है, और देख सकते हैं सब Mursi बच्चे, ये देखिए। तो एक gunman को लेके हम निकलेंगे यहाँ से। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए Mursi विलेज में, आप मेरे पीछे देख सकते हो, और पीछे हमारे गनमैन भी है साथ में और हमारे गाइड इब्राहिम। चलते हैं आगे, आपको अच्छे से उनसे मिलाते हैं। देखिए यहाँ के बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं Mursi ट्राइब के, और यहाँ उनकी औरतें भी बैठी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस विलेज के चीफ से मिलाता हूँ, चीफ ऑफ द विलेज, चीफ ऑफ द विलेज, he select from the tribe. ये विलेज के चीफ है, और ये नेम इज बारडोले, 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 या बारडोले। तो ये बारडोले ये इस विलेज के चीफ है। सो नाउ आई लाइक टू सम गिव यू एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द Mursi tribe, द कल्चर। द Mursi tribe इज दे आर अ लिवस्टॉक ट्राइब, लाइव जब ऑलर ऑफ कैटल एंड only cattle they live stock, and this tribe is nomadic tribe, nomadic they changing the village, they just carry out on the head and they changing the villages. To ye bol rahe hain ki bhai jo Mursi tribe hai ye duniya ki sabse zyada popular tribe hai, aur bahut khoobsurat bhi inko mante hain kyunki ye pehante lip plate, aap kabhi na kabhi dekhe rahoge, aur ye jo ghar dekh rahe ho aap, ye nomadic tribe hoti hai, ye thode thode time pe apna ghar change kar dete, kuch yahan problem hoti hai to ye ghar apna sar pe utha ke leke chale jaate hain, aur ye jo bana rehta hai ye bahut easy to carry rehta hai, to isliye ye uthate hain apne sar pe aur leke निकल जाते हैं। इनके घर भी आप लोगों को अभी मैं विजिट करवाता हूं। सो कैन वी विजिट वन ऑफ द होम? या श्योर, कम यू कैन। सो दिस वन फैमिली हाउस लाइक 7-8 पीपल टुगेदर लिविंग, सो इनसाइड ओनली दिस इज द काउ स्किन, काउ स्किन, सो दे जस्ट स्लीपिंग हियर बिकॉज़ आई टोल्ड यू फर्स्ट काउ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ट्राइब, फॉर द Mursi। काउ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इनके कल्चर में, और अंदर जो बिछौना बोल सकते हो आप, वो देख सकते हो वो काउ स्किन से बिछाए हैं, और इस छोटे घर में आप देख सकते हो, इस छोटे घर में रहते हैं 7-8 लोग। तो मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ। सो कैन वी गो इनसाइड? या श्योर, वी कैन, बट इट्स वेरी स्मॉल। या वेरी स्मॉल, या द रोड, बिकॉज़ इन द नाइट टाइम सम द वर्ल्ड इज नॉट गेटिंग, ओके, दे हैव अ स्मॉल डोर टू। तो ये जो डोर है छोटा इसलिए रहता है बता रहे हैं क्योंकि भाई जंगली जानवर शेर वगैरह अंदर ना जा पाए, इसलिए छोटा बनाते हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं। ओके, इट्स वेरी हार्ड टू एंटर।
और ये सारा कुछ घर है आप देख सकते हो, यहाँ मुर्सी लोग रहते हैं और ये तकरीबन ये घर के अंदर 7 से 8 लोग रहते हैं, 7 से 8 लोग भाई इस छोटे घर में, छोटे उसमें रहते हैं। और ये देख सकते हो ये है काउ स्किन, दिस इज द काउ स्किन। Yeah, this is a cow skin. Okay. And here also the neck is. Mm-hmm. So at the night time, just they pour in this mm-hmm. only on here they sleep. Okay. Yeah. So ये नीचे रखते हैं और इसके ऊपर सोते हैं और ये घर सारा देख सकते हो आप। This is completely made of grass and. Yeah. They made it from savanna grass. Savanna and grass. A roof. Uh-huh. Just and a wood, some sticks. Okay. Just only from this. So they can carry from different places. Yeah, when they change the village mm-hmm. because the nomadic tribe, they changing, they just carry it. Carry. So in the Mursi culture, actually the building houses only woman making, woman work. Woman work. Woman working, not men. तो घर जो है सारा सिर्फ औरतें बनाती है, men do not make the not house. Not making the house, okay. only woman okay. have made the house. तो ये जो घर है सिर्फ औरतें बनाती है, आदमी नहीं बनाते हैं। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को घर तो देख लिया आप अंदर, इतने बड़े घर में लोग 7 से 8 लोग रहते हैं, तो चलते हैं बाहर और भी मिलते हैं लोगों से और देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। देख सकते हो जो दरवाज़ा है इसका काफ़ी छोटा है, निकलने घुसने में प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं आपको अभी निकाल के बताता हूँ, देखिए लिटरली बहुत ही ज़्यादा पतला है भाई। ओके तो ये हमारे पास स्काउट, दिस इज आवर गनमैन टू कीप अस प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। और व्हाट इज योर नेम? सिलिबो है भाई, देख सकते हो AK-47 टांग के रखे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी वो रखना पड़ता है वाइल्ड एनिमल और सारी चीज़ों से। तो चलते हैं आप लोगों को अंदर और दिखाते हैं। दिस आल्सो द हाउस टू सी। ओके तो अंदर अभी ये घर में तो कोई अंदर है फिलहाल। देखिए मुर्सी ट्राइब के लोग बैठे हैं अंदर, देख सकते हो आप ये ऐसे रहते हैं। देखिए 7 से 8 लोग सोते हैं, देख सकते हो 2 लोग अभी बैठे हैं। तो आइए भाई दिखाते हैं, जो होट के नीचे रखते हैं ना वो लिप प्लेट, इसकी वजह से वो सबसे ज्यादा फेमस है, वो चीज दिखाते हैं आप लोगों को। दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ लिप प्लेट, स्मॉल साइज एंड बिग वन, बिकॉज़ द लिप प्लेट हाउ द मुर्सी डूइंग इज फर्स्ट एक्चुअली व्हेन दे मैरिड एंड व्हेन दे आर रेडी टू मैरिड दे कट द लिप एंड दे स्टार्ट टू वियर द लिप प्लेट। सो इन व्हाट एज दे मैरिड? They married when they come 15 and 16 age. Okay, so जब 15 से 16 साल के होते हैं तब वो शादी करते हैं और तभी वो अपना लिप कट करते हैं, बिफोर दैट दे डोंट कट देयर लिप। दे डोंट, या। ओके। सो दिस इज हाउ दे पुट द लिप, फर्स्ट टाइम इज दे कट द लिप एंड दे डू द स्मॉल वन। ओके, फर्स्ट दे पुट द स्मॉल वन। द स्मॉल वन। एंड आफ्टर 1 और 2 वीक्स लेटर did grow one. Okay, so you know, they start putting, yeah, and 1 or 2 months later the big and they start to bigger. Okay, तो भाई पहले क्या करते हैं जब शादी की उम्र हो जाती है उनकी 15-16 साल, तो पहले थोड़ा सा लिप के अंदर काटते हैं, छोटा वाला लगाते हैं। आप जैसे क्ले देखे थे ये वाली, ये सबसे पहले ना जो रहती है वो छोटी वाली क्ले ये लगाते हैं प्लेट, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम जाते रहता है फिर बड़ी करते रहते हैं, फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी बड़ी पहनते हैं भाई। आप सोच सकते हो ये मेरे पूरे मुंह के बराबर है, ये होठ के नीचे पहनते हैं, आप सोच सकते हो। मैं आप लोगों को उनसे भी मिलाता हूँ, उनसे भी दिखाता हूँ। ओह दिस इज द भाई, ये देखिए ये तो इससे भी बड़ी हुई है, इससे भी बड़ी है। तो लिटरली ये अपने होठ के अंदर पहनते हैं और दिस इज फॉर द ब्यूटी, या फॉर द ब्यूटी, या। ओके तो वो उनके आल्सो व्हेन शी गेट अ लॉट ऑफ कैटल फ्रॉम द हस्बैंड। ओके बिकॉज okay, later I will explain you how the marriage weddings works. Marriage one okay, works. तो भाई देख सकते हो इतनी बड़ी प्लेट रहती है, वो पहनते हैं लिप के अंदर और ये मानते हैं कि भाई इससे खूबसूरत दिखते हैं। तो चलते हैं आगे और लोगों से भी मिलाते हैं। देखिए बहुत सारे लोग भी आ गए हैं यहाँ पर, मुस्लिम ट्राइब के बहुत सारे लोग भी आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हो लिप प्लेट पहने भी है, देख सकते हो। देखिए ये लिप प्लेट छोटी वाली पहने हैं, तो ये जो पहने हैं वो छोटी वाली है, और भी बड़ी बड़ी वाली भी पहन सकते हैं। तो दे सेल दिस, दे सेल दिस, दे आल्सो सेल दिस, तो वी'ल बाय इट लेटर, बाय लेटर। ओके वी'ल बाय इट लेटर, एक तो अपन सुवेनियर के उससे ले लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो बड़ी छोटी है, कैसा सुवेनियर रखना चाहिए भाई के देखेंगे। और आप देख सकते हो लिप प्लेट कैसे लगाते हैं, तो चलते हैं आगे और देखते हैं। देखिए अगर लिप में प्लेट नहीं रहती, देखिए बच्चे कैसे कैरी करते हैं, ये मुर्सी ट्राइब के बच्चे हैं, ये पीछे उस पर कैरी करते हैं। और जब लिप नहीं रहती है तो लिप बहुत बड़ी सी दिखती है अगर उसमें प्लेट नहीं लगे रहती है तो। एंड ये देखिए कान में भी प्ले वो पहनते हैं, कान में भी पहनते हैं, ये तो कुछ लकड़ी वाला पहने हैं, तो ये लिप पे भी पहनते हैं और कान में भी पहनते हैं। सो नाउ I will going to explain for you how the woman and the man, because the how they married the style and okay. what's the lip plate and how the beauty of men. Okay. So now Zigana. So ये हमारे चीफ है विलेज के, देखिए भाई थोड़ा सा देख के वो लग रहा है, मेरे सामने लिप की प्लेट पहने हैं। सो दे आर मैरिड,
Yeah. Now I was going to explain for you. Mm-hmm. So the Mursi tribe, I told you first, they are the richest tribe in culture. सबसे अमीर tribe है भाई, richest tribe है Mursi tribe. Yeah. So how they come rich? Mm-hmm. Because of when they married. Mm-hmm. Also the woman, mm-hmm. when they married, there's we call it donga mm-hmm. fight. Donga fight. Donga fight means the man when mm-hmm. he ready to marry. Okay. And okay. the woman when she get ready to marry, she cut her lip. And okay. she become okay. married. Okay. And at the why the Mursi girl is making their family is very rich. Okay. Because of if the one guy in the Mursi guy, mm-hmm. after he fight the donga, uh-huh. if he win, he get married one woman. And he has to give cattle. He give like 38 or 40 cattle. 38 to 40 cattle. तो शादी करने का क्राइटेरिया ये है मुर्सी विलेज में कि भाई जब शादी की उम्र होती है लड़की सबसे पहले अपने होट के नीचे कट लगाती है और जो आदमी होते हैं वो डोंगा फाइट करना पड़ता है उनको शादी के लिए। डोंगा फाइट ये होती है, एक बड़ी स्टिक लेते हैं, 2 मीटर लंबी स्टिक लेते हैं और उससे लड़ते हैं। तो जो डोंगा फाइट में जीतता है उसको शादी करने का मौका मिलता है। और ये डोंगा फाइट बस नहीं है, आपको साथ ही साथ बहुत सारी कैटल भी देना पड़ता है। 35 to 40, 35 से 40 आप लोगों को गाय देना पड़ता है। 35 to 40 cows they have to give to marry. To marry, yeah. Okay, so they can marry more. If they need more, because one man, if you have a lot of cattle, okay. two, three wife, he can. Okay. But you need to prepare the same, like 38 or 40 cow for their family. तो भाई जितनी शादी करना है कर सकते हैं, मतलब यहाँ कैसा है, आपके पास जितनी गायें आप उतनी शादी कर सकते हो। तो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी गाय है। यहाँ पैसे की वैल्यू जो होती है वो उससे देखी जाती है कि आपके पास कितनी गाय है। इफ यू हैव 100 cow, he can marry 3 times. Yeah, 3. Okay. Yeah. Okay. तो ऐसा कुछ शादी करने का क्राइटेरिया है। और आप देख सकते हो लिप प्लेट, और ये दोनों मियाँ बीवी है और ये जो है चीफ है इस विलेज के। तो देखिए अब ये प्लेट सारा तो इससे एक्चुअली हेलो एंड वी वांट टू नो देयर नेम्स। आंटे से मानो बर्डोले, नेम इज बर्डोले, बर्डोले इनका नाम है बर्डोले। और यहाँ जो लैंग्वेज है वो मुर्सी लैंग्वेज बोलते हैं, और जो यहाँ की इथोपिया की लैंग्वेज है जो अमेरिक लैंग्वेज है वो नहीं बोलते हैं। ये जो चीफ है यहाँ के वो सिर्फ बोलते हैं अमेरिक लैंग्वेज, बाकी ये सारे मुर्सी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना है ये अपना नाम बता नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू, हाउ टू से थैंक यू, अच्छा थैंक यू, थैंक यू एंड हेलो, थैंक यू, अच्छा ले, बर्जू मैंने आल्सो, बर्जू मैंने, बर्जू मैंने, ओके, सो ब्रदर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज टू डेकोरेशन टू बी ब्यूटी, ओके, आई विल शो यू हाउ Okay. So they wear this. They wear as well. Ah, like तो ये भाई ये खूबसूरती के लिए पहना जाता है। This is cow horn. Yeah, it's made from the wild. This not cow, but there is some wild small animal. Okay, wild animal का बना हुआ है भाई ये, और ये खूबसूरती के लिए सर पे ऐसा पहनते हैं। और काफी हैवी है भाई, थोड़ा हल्का नहीं है, काफी ज्यादा हैवी, इट्स वेरी हैवी। देखिए देखिए अभी बताएंगे कि कैसे पहनते हैं। अंचार क्या भाई, ये थोड़ा सा पैसे के लिए थोड़ा वो करते हैं कि भाई पैसा दोगे तो मैं वीडियो बनाने देंगे, तो लेके चले गए वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो चीफ कुछ बोल रहे हैं। तो अब यहाँ ये जो है मुर्सी ट्राइब के लोग, ये थोड़ा सा जो लिप प्लेट और वगैरह जो यहाँ के सुवीनियर्स है वो बेचते भी है। तो देखते हैं यहाँ द मुर्सी ट्राइब आल्सो दे वेयर सम लाइक ब्रेसलेट, बट दे डोंट वेयर मच, okay. I mean the necklace or something, uh-huh. like made from the bean, but some tribe hammer, karu, nyangatum, they use a lot of okay. necklace something. So jewelries jo hai wo thoo, bahut kam pehnte, bracelet wagera ek do pehen lenge, kuch gale mein kuch nahi pehnte. The Mursi only use it, this kind of bracelet, okay, made from the coin, so they use it this one, very strong. So this is made from coin? Yeah, coin, yeah. ओके, तो भाई ये जो ब्रेसलेट है मुर्सी ट्राइब के लोग ज्यादा कुछ ज्वेलरीज पहनते नहीं है, गले वगैरह में कुछ नहीं पहनते, सिर्फ ये जो है ब्रेसलेट पहनते हैं और लिप प्लेट और ईयर प्लेट पहनते हैं। और ये जो बनाया गया है ये कॉइन से बनाया गया है, काफी स्ट्रॉन्ग है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग भाई, लिटरली ये बहुत थोड़ा हैवी भी है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। द मुर्सी ब्रेसलेट इज वेरी फेमस इन ओमोबाल इन इथियोपिया, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, नाइस वन, या दिस इज रियली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, दिस इज वेरी फेमस। ऑल्सो आई हैव वन इन होम, आई बाय, और आप यहाँ देख सकते हैं डेकोरेशन के लिए, देखिए देखिए ये दिखा रहे थे डेकोरेशन के लिए, वो मुंह पे पहनते हैं और इनके हिसाब से बहुत खूबसूरत है और अच्छा लग भी रहा है।
तो देखिए ऐसा कुछ है जैसे हम वहाँ पहनने बोले थे वो पहने नहीं, तो ऐसा लगता है वो पहनने के बाद. सो वी विल बाय समथिंग व्हेन वी विल गो वी बाय सम लिप प्लेट एंड ब्रासलेट. सो आई वांट टू बाय टू लिप प्लेट्स एंड दिस विल बाय इट लेटर. एंड व्हाट इज दिस ब्रदर? दिस इज लाइक अ सिंबल ऑफ वाइल्ड बिकॉज़ दे हैव अ लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल इन द बुश सो दे कैन डिफरेंट काइंड ऑफ आल्सो. ओके सो ये भाई ये वाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि यहां जंगली जानवर बहुत सारे होते हैं. लुक हियर आल्सो. Oh, the cow. They can make... the cow. Yeah. भाई इनके कल्चर में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है काऊ की, क्योंकि ये काऊ का एक भी पार्ट छोड़ते नहीं, सारा का सारा खाते हैं. ब्लड से लेके उनकी स्किन से लेके मतलब ये सारी चीज यूज करते हैं, उसका ब्लड पीते हैं भाई. They mix milk with blood. Yeah, they drink milk and blood. Okay. Sometimes they mix, sometimes alone. Okay, तो भाई make healthy and very strong. हाँ, तो भाई उनके अकॉर्डिंग भाई खून और दूध पीते हैं, उनको लगता है कि इससे हेल्दी होते हैं. और ये जो कैटल है इनके कल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हर जगह आप लोगों को देखने मिलेगी इसकी सिंबल साइन लिपलेट. विल बाय एंड एंड इन मोर्सी ट्राइब व्हेन आई टोल्ड यू व्हेन द डोंगा वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द गाय इफ ही विन द डोंगा ही गेट वेरी रिस्पेक्टफुल फ्रॉम ईच विलेज. ओके बिकॉज इफ यू डोंट विन द डोंगा यू डोंट गेट मच रिस्पेक्ट. Okay. But the donga is very important for the men. And how much people are in the tribe? Like how much people in Mursi tribe? The Mursi tribe population is 10,000. They are 10,000. Mm. So they live in different places? Yeah, they're living in different places. And in this place, how much people they live? They are around like 500 and 600. ओके सो ये गांव में 500 से 600 लोग हैं, और पूरे अगर मुर्सी ट्राइब के देखें तो 10,000 टोटल पॉपुलेशन है इनकी. वो थोड़े थोड़े अलग अलग जगह पे रहते हैं, इस गांव में सिर्फ 500 लोग हैं. ओके एंड द चीफ इज, आप जैसे कि आप लोगों को बताया वो चीफ है हमारे, हमारे नहीं ये ट्राइब के. एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ दे कॉज द लिप प्लेट. देखिए भाई ये मुर्सी लोगों का सिंबल है, आप देख सकते हैं मुर्सी मुर्सी औरत है, और ये लिप प्लेट जैसे कि वो पहनते हैं, ये वो है. बहुत सारी चीजें भाई अगर यहाँ खरीदने के लिए देखें ना तो बहुत सारी चीजें दे लुक रियली ब्यूटीफुल विद दिस इयररिंग्स एंड दिस ऑल. या दे आर वेरी ब्यूटीफुल. टेल देम आई एम सेइंग दे आर ब्यूटीफुल. जाला आ चलिनो यालनो आ चलिनो अंदर यामरा. हां विल आई बाय कांचे का गजल. तो मैं इनको बोला कि ये बहुत खूबसूरत दिखते तो सब मतलब खुश हो गए एकदम. And normally the each is also we call it tila. Tila. The Mursi food in morning they use tila. Tila means which is made from the sorghum. Sorghum. They crush sorghum. Jawar ko bolte hain. So they eat sorghum. They crush it sorghum. And they boil water. They mix it the sorghum powder. Okay. Just they make a tila. They use by some with veggie. Okay. Okay. Yeah. Okay. तो भाई ये सरगम को पीस के कुछ बनाते हैं, वो खाते हैं. Some. What is this? This is tila also some. तिला. तो देखिए भाई ये है, ये खा रहे हैं तिला, लोकल फूड है यहाँ का. जो सरगम जो जवार को शायद जवार को सरगम सरगम बोलते हैं, तो वो पीस के उससे कुछ बना के खाते हैं ये. और बहुत सारी चीजें. ब्रदर व्हाट इज दिस? तो देखिए भाई ये सोरगम जो है ये इनके ये बहुत ज्यादा खाते हैं. We are going to look how they crush this. Okay. We are going to see. तो चलते हैं देखते हैं भाई वो कैसे क्रश करके बनाते हैं. तो चलिए आए देखते हैं. ओके तो भाई ये पीसने वाला जो सिस्टम है वो हम देखना चाह रहे थे, तो बोले भाई 50 बीड़ दोगे तो हम तुमको देखने देंगे. तो ठीक है यार चलते हैं, वैसे भी इनका पास ज्यादा कुछ सोर्स ऑफ इनकम है नहीं. तो देखिए ऐसा सोरगम इस पे रख के देखिए पाउडर बना वो बना दिए, आटा बना दिए इसका. देखिए बच्चे कैसे पीस रहा है. कैन आई डू दैट? या कैन आई ट्राई? ओके इसे मॉक करें. देखते हैं मेरे से होता है कि नहीं भाई. बराबर बारीक पीस नहीं पाया मैं. तो ऐसा पोजीशन रहना चाहिए. अच्छा ऐसा करने का, बारीक पीसना है. देखिए गुड. तो भाई देखिए ऐसा अभी भी आटा बनाते हैं, और थोड़ा टेक्निक बताइए कैसे करते हैं. इनको जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं. दे डोंट नीड टू गो टू जिम. दे आर हेल्दी फॉर डूइंग दिस. या
तो देखिए ये सोरगुम यहाँ पीस के इसको आटा बना रहे हैं। कोरियन वेरी सिंपल लुक हाउ शी मेक या इट्स बहुत सिंपल है भाई, मेरी तो हैबिट नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी। देखिए सोरगुम डाले हैं इसमें और पूरा पूरा विलेज हमको घेर लिया है। मतलब भाई ये आटा ऐसा चक्की से भी पीस नहीं पाएंगे, इतना प्रॉपर इतना बारीक पीसे। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आगे चले गया तो बोले नहीं नहीं पीछे लेके बराबर करो। गांव देख सकते हो आप, वहां से वहां भी घर है और कुछ लोग यहाँ भाई थोड़ा पेड़ वगैरह के नीचे बैठे हैं ताकि थोड़ी सी हवा ठंडी ठंडी लगे, जैसे गांव में हम भी बैठते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर। और ये हमारे भाई गनमैन सिलिबो सिलिबो कहना, देखिए भाई ये रखना पड़ता है जंगली जानवर और यहाँ के लोगों से बचने के लिए गन सिलिबो लोकल बर्बर शेकर। तो भाई ये यहाँ के लोकल बार्बर आप देख सकते हो, उनका बाल काट रहे हैं बच्चे का। देखिए ये देखिए ये देखिए सो दे मेक किचुआ बाय दिस वन रेजर दे मेक इट वेरी पेनफुल टू मेक किचुआ व्हेन दे स्कॉर्पियन। तो भाई इनके हर लोगों में टैटू बनाना पड़ता है, उसमें पूरा सारा काट के बनाते हैं इनके हिसाब से, वो भी खूबसूरत लगता है। सो कैन वी सी एनीबॉडी हु हैज ओके आइए दिखाते हैं आप लोगों को तो भाई ये पेट पे भी काटते हैं ब्लेड से और उतना डिजाइन बनाते हैं जितना इनको कैटल जो गाय थी इनके हस्बैंड से मिलते, याद रखने के लिए कि भाई कितनी गाय मुझे अपने हस्बैंड से मिली थी उसके लिए ये पेट पे डिजाइन बनाते हैं। तो काफी यूनिक चीज देखने मिली है भाई जो आज तक मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा। और ये देख सकते हो आप, देखिए विच इज दिस सिंबल या दिस इज लाइक डिफरेंट डिजाइन when she likes she can make it she want paint your face yeah she can paint okay Come. yeah okay go चलिए भाई बोल रहे कि मेरा फेस पेंट करना है okay. ये भी एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है सीट है हां मैं इसको तरस तो कुछ तो पैसा लेंगे लेकिन भाई ये भी एक एक्सपीरियंस है कि फेस पेंट करवाना है। तो अभी ये जो है व्हाट इज दिस ब्रदर व्हाट इज दिस दिस इज दे गेट जस्ट स्मॉल स्टोन ओके फ्रॉम द बुश आंटी मत तो भाई अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ये सिर्फ अभी लाल कलर का यूज किया अभी व्हाइट कलर का भी यूज करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल तो भाई ये भी करना बहुत वो है भाई क्योंकि इनके कल्चर को रिस्पेक्ट भी देना चाहिए क्योंकि हम यहाँ आ रहे हैं उनसे विजिट कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं और वो इतने फ्रेंडली हमारे साथ कि भाई सारी चीज़ें दिखा रहे हैं तो ये करना तो बनता ही है भाई। थोड़ा उनको पैसा देना पड़ेगा तो दे देंगे और काफ़ी फ्रेंडली दे आर रियली वेरी फ्रेंडली दे आर नॉट एट ऑल डेंजरस दे आर रियली फ्रेंडली। आधा मेरा फेस पेंट हुआ है आधा हाफ इज रिमेनिंग तो वो गई है व्हाइट कलर लाने तो व्हाइट कलर अभी बाकी का जो है उसमें व्हाइट कलर की डिजाइन होगी। अलग अलग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, ये पहले लाल वाला था अभी जो यूज कर रहे हैं वो व्हाइट वाला है। सो देयर रब टू मेक द कलर देख सकते हो ये ईयर प्लेट के लिए जगह बची है वो। इब्राहिम भाई भी अपना डिजाइन बनवाने जा रहे हैं। तो भाई बच्चों ने घेर लिया है, हो गया हमारा फेस पेंट कंप्लीट और बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। मैं अपना वो फेस देखा बहुत ही अच्छा लग रहा है। शी डिड अ वेरी नाइस जॉब और हमारे अब्राहम भाई भी करवा रहे हैं कुछ डिफरेंट। दिस इज डिफरेंट डिजाइन देखिए भाई पूरी गैंग घेर ली, पूरी गैंग जमा हो गई है यहाँ पर। देखिए पूरे लोग यहाँ जमा है, ये देखिए ये हमारे चीफ और पूरा घर वर वगैरह वहाँ पर है और सब यहाँ भी बैठे हुए हमारे गनमैन है वो। अरे पैर पे चढ़ गया तो गुस्सा हो गया तो भाई कब से मैं खड़ा था ना तो मेरा बाइसेप पकड़ रहे बार बार पकड़। भाई फेस पेंट बताना जरूर कैसा लग रहा है भाई क्योंकि भाई मुझे तो काफी अच्छा लगा फेस पेंट। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पर जो एक रिवर है जो इनका मेन सोर्स है जहाँ से पानी पीते भी हैं और खाने के लिए पानी यूज करते हैं। सारा जो मेन इनका है पानी का सोर्स वहाँ पे, तो हम वहाँ भी चलेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना भाई क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत साहस लगता है भाई विजिट करने के लिए। तो हमारे विलेज के चीफ के साथ जा रहे हैं हम विजिट करने और देख सकते हो अभी के टाइम पे अभी बज रहा है 10 बजे तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है
तो आप देख सकते हो सारे जो घर है वो खाली हो गए हैं, सब जाके वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी वाला टाइम है, तो वहां जाते हैं तो थोड़ी सी हवा भी चल रही, जैसे कि आप लोगों ने देखा जहां मैंने फेस पेंट करवाया। तो भाई हम जा रहे हैं नदी की तरफ, तो साथ में दो लड़के भी जा रहे हैं गाँव के, उनको पानी भी चाहिए, तो देख लेंगे हम पानी वो निकालते कैसे है। भाई ये जो एरिया देख रहे हो आप, जो मेन जो घर वगैरह है वो पीछे तरफ है, इस तरफ भाई ये रात के टाइम पे और शाम के टाइम आना प्रिफर नहीं करते हैं, पानी वगैरह जो अभी ले लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ जंगली जानवर आते हैं ये टाइम पे, और जैसे कि आप लोगों को बताया उनका घर का जो होल रहता है वो बहुत छोटा रहता है, ताकि उसके अंदर शेर ना, जब सुई सोते रहे तो अंदर शेर ना चली जाए। भाई इस गांव में ना एक स्कूल है और ना ही पानी का कुछ सोर्स है, तो ये जाते हैं माथी रिवर से पानी निकालते हैं, तो यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज है, पानी और स्कूल जो बेसिक चीज है वो उनके पास नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं वहाँ कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो भाई यहाँ पर मक्खी ने बड़ा परेशान कर दिया है, और काफी दूर है यार, मतलब नॉर्मल जो गाँव में बहुत पीछे, और हम जा रहे हैं चल के देखिए आगे, और नॉर्मल मैं समझा था रिवर पीछे ही रहेगी, लेकिन तकरीबन 5-7 मिनट हो गया चल रहे हैं और आगे मुझे दिख भी कुछ छुपा यार, एक मिनट दूर है यार, काफी दूर है, और ये सारा कुछ जंगल वाला एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा वो रिस्क रहता है कि भाई कोई जंगली जानवर ना रहे, और मेन बात ये है कि भाई हमारे जो गनमैन वो गायब है, गायब बोले तो मतलब यहाँ की गाँव की लड़कियों से बात कर रहे हो, नॉटी गनमैन लेके आए हम, वो हमारी सेफ्टी की जगह लड़कियों की पड़ी है। भाई देखिए भाई ये है रिवर, दिस इज द माफी रिवर, माफी रिवर। तो भाई बता रहे हैं जो दूसरे मुर्सी ट्राइब के लोग हैं वो एक जगह नहीं रहते, अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो कुछ मुर्सी ट्राइब के लोग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो पानी लेने यहाँ पे वो नजदीक आते हैं, पूरा 20 किलोमीटर वो लाद के पानी लेके जाते हैं, तो आप सोच सकते कितनी हार्ड लाइफ है उनकी। और ये रिवर कुछ इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल सी रिवर है, तो इसमें नहाते भी हैं, पानी पीते भी और खाने के लिए भी रखते हैं, तो बहुत मतलब इनके लिए एक लाइफ सोर्स है ये पानी, ये रिवर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वहाँ ना कोई वॉशरूम है, ना कोई स्कूल है, ना कोई मतलब पानी का सोर्स वो है नल वगैरह, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से नहाते हैं, पानी भी पीने का यहीं से भरते हैं। देखिए भाई अभी ये पानी लेने जा रहे हैं गाँव के लिए, इनका तो ठीक है, चलो इनका जो विलेज है वो पास में तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर है, और जो बाकी उसी ट्राइब के जो बाकी लोग हैं उनको 20-20 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, तो इनको तो थोड़ा ठीक ठाक है। देखिए ऐसे पानी भरे, नहा भी लिए, पानी भी भर लिए हैं, अब जाएंगे वापस विलेज की तरफ। देखिए विलेज के बहुत सारे लोग हमारे साथ, चीफ भी आए हुए हैं, और ये देखिए इसीलिए वो आ गए हैं, मैं कब से ढूंढ रहा था भाई, लड़की के चक्कर में घूम रहे थे, अभी आ गए हैं। अब आया हूँ तो मैं भी हाथ वाथ धो ही लेता हूँ ना, इट्स नॉट कोल्ड, इट्स नॉर्मल, नॉट कोल्ड। हाथ ही धोएंगे, ज्यादा पियेंगे नहीं, क्योंकि भाई देखिए बच्चे दे आर ड्रिंकिंग, क्योंकि इनको आदत है ये पी सकते हैं, मैं पीऊंगा तो शायद बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं पी रहा हूँ, ये बच्चे ही पी रहे हैं। देखिए पी के वही फेंक भी दिया। तो भाई एक और चीज़ अभी हमको अब्राहम भाई बताए, यार एक और दिक्कत ये है कि भाई ये ज़मीन में भाई ना मैंगो होता है, ना बनाना होता है, फ्रूट होते ही नहीं, ये सब ऐसे काटे वाले पेड़ और ये सब होते हैं, तो इनके लिए और थोड़ी मुश्किल हो जाती है, अगर वो कुछ होता तो इनके लिए भाई खाने का सोर्स बहुत अच्छा हो जाता, यहाँ सिर्फ ये सोरगम खाते हैं और अपना वो भुट्टा खाते हैं, तो ये सब खाते हैं, अगर फ्रूट वगैरह होता तो इनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, यहाँ मैंगो और बनाना और ये सब हो ही नहीं पाता है। आप इसकी ज़मीन, ये ज़मीन देख ही सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा उनका रिवर में जो भी काम करते सारा, अब वापस गांव में आ गए हैं, यहाँ से कुछ खरीदते हैं, क्योंकि भाई इनको वादा किया था कि कुछ खरीदेंगे, सब बोल रहे थे कि भाई हमारे से खरीदो, अभी अगर एक से खरीदो तो शायद बाकी लोग बुरा ना मान जाए, तो देखते हैं भाई, जो हमको पहले अप्रोच किया था उसी के पास चलेंगे, उसी से खरीदेंगे, और जो फेस पेंट किया था उसको हमने दिया 200 लीरे। तो ठीक है यार, मेरा 100 ग्राम भाई का, तो इनके लिए कुछ ज्यादा लाइफ सोर्स वो होता ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम होती नहीं है, तो ठीक है यार इतना देना। हाउ मच इट इज? थोड़ा सा महंगा दे रहे, 200 बीर बोल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा हमको मालूम है, लेकिन फिर भी एक ले लेंगे। Yeah. We'll take this one and this one. And discount? You can say your price. You said 300 for two. तो भाई डील हो गई है 300 में, क्योंकि भाई पहले बात किए थे कि लेने, और सब घेर लिए, बुरा मानेंगे लोग कि भाई हमसे नहीं लिए, देखिए पूरे घेरे यहाँ पर भी लेकिन हम ले लिए हैं यार, अब क्या कर सकते हैं। और बार्गेन अप्रूव तभी होती है जब हमारे चीफ साहब हैं वो बोल दे कि भाई डन, अगर ये बोल दिए डन तो हर चीज डन, तो ये लेके चलते हैं भाई ऐसे सुविनियर, क्योंकि भाई ये याद रहेगी कि भाई मैं यहाँ आया था। इनके स्किन पे डिजाइन देखिए,
ये देखिए भाई कितनी खतरनाक लग रही है, ये देखिए, ये देखिए भाई ये पूरा खूबसूरत दिखने के लिए बनाते हैं, ये देखिए। तो भाई मैं आप लोगों को पूरा ये मुर्सी विलेज जो था मैं आप लोगों को पूरा घुमा दिया और सारे चीफ से मिला दिया। थैंक यू चीफ को, तो भाई ये चीफ को बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि ये साथ में हमारे थे, पूरा दिखा दिए, घुमा दिए और ये विलेज आप लोगों को कंप्लीट दिखा दिया, लोगों से मिला दिया, उनका घर दिखा दिया, हर चीज दिखा दिया। और बहुत ही मेहनत लगती है भाई ये सब वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और भाई कसम से बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग गया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो। तो मिलते हैं एक और ट्राइब के साथ और एक और एडवेंचरस वीडियो के साथ। गुड बाय।